नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पौधरोपण संकल्प के एक साल पूरे, एक साल पहले सीएम ने की थी पौधरोपण की शुरुआत, एक साल से हर दिन पौधा लगा रहे हैं सीएम शिवराज। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, पीवी का नाम होगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, एमपी स्टार्टअप नीति 2022 का किया गया अनुमोदन, केंद्र को भेजा जाएगा नर्मदा एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में गौधन्या योजना के तहत पैसों का हुआ भुगतान, सीएम भूपेश बघेल ने जारी की ऑनलाइन राशि, लाभार्थियों के खाते में 10 करोड़ 14 लाख की राशि ट्रांसफर। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा राज्य में नाइट कर्फ्यू हटाने पर जल्द होगा फैसला, कोरोना के आंकड़े आज 1000 से कम आए सामने। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, रीवा दौरे पर जाएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ, 19 फरवरी को घर घर चलो अभियान में होंगे शामिल, विंध्य में पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। स्वास्थ्य मंत्री रघुराम चौधरी हुए कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। मध्य प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश के किसानों में प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की आंखों में सरकार ने आंसू नहीं आने दिए और समय पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर कहा, कमलनाथ ने उन्हें घर बैठाया। कांग्रेस के समय के क्या थी अर्थव्यवस्था, पहले वो बताएं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती की बात कहते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी के मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। कमलनाथ जी घर घर चलो अभियान नहीं, घर घर पर बैठाओ अभियान चला रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कमलनाथ जी की कल भोपाल में आयोजित हुई बैठक है। बैठक में न दिग्विजय सिंह थे, न अरुण यादव थे, न राहुल भैया थे। आज से शुरू हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, एसडीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की शंकरशाह यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को छात्र नेताओं और कुलपति एमके श्रीवास्तव के बीच विवाद की स्थिति बन गई। इस दौरान कुलपति ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे छात्र नेता बिफर गए। छात्र नेताओं ने कुलपति के रवैये पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। बता दें कि मामला पुलिस के हस्तक्षेप पर शांत हुआ। इसके साथ ही एनएसयूआई ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को हल करने की मांग की। सतना में शादी समारोह में मेहमानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, दूल्हे समेत दर्जन भर लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया, मधुमक्खी के दंश से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सतना जिले के अमरपाटन स्थित परसवाही में शादी की तैयारियों में ऐसा खलल पड़ा कि खुशी और उत्साह में झूम रहे लोग अस्पताल पहुंच गए। मधुमक्खियों के डंक ने एक बालिका समेत 5 लोगों की हालत बिगाड़ दी। बस्तर में नक्सलियों द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जारी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, हथियारबंद और ग्रामीण वेशभूषा में नक्सली भी दिखाई पड़ रहे हैं। वायरल वीडियो में नक्सली ट्रैक्टरों के डीजल टैंक फोड़कर आग लगाते नजर आ रहे हैं। छतरपुर में एक बाबा पर महिला से रेप करने का आरोप है, महिला की शिकायत पर बाबा के खिलाफ पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।
रामेश्वर धाम के बाबा लोकेश तिवारी पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उससे बच्चा नहीं हो रहा था। बच्चे की चाहत महिला को बाबा के पास ले गई थी, तभी बाबा ने मौका देकर उसके साथ रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस बाबा को पहले पूछताछ करने थाने लाई, इसके लेकिन इतने ही बीच में बाबा के समर्थक और महिला के साथ लोगों ने थाने में जमकर नारेबाजी की, लेकिन बाद में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। जबलपुर में सोने चांदी की दुकान में लूट करने वाले ईरानी गिरोह के दो सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की। बता दें कि आरोपियों पर 2 लाख रुपए के सोने के जेवर चोरी करने का आरोप है। इंदौर के रडोम थाना क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं ट्रैफिक जवान की तत्परता से ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। राजधानी भोपाल में शासकीय कार्य में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार और गड़बड़ी करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपना काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी बात नहीं मानने पर मारपीट पर उतारू हो गए। ताजा मामला राजधानी भोपाल के बेरसिया का है। बेरसिया में एक शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित जनपद का उपयंत्री है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए जानकारी मांगी थी, जिस पर पंचायत के सरपंच का पति भड़क गया और उपयंत्री के साथ मारपीट कर दी। गुना के नानखेड़ी क्षेत्र में बीती रात चोरी की संगीन वारदात सामने आई। चोरों ने जिस घर को निशाना बनाया है वो पूरा परिवार मारपीट के आरोप में जेल में बंद है। बदमाशों ने आराम से घर का पूरा सामान खंगाला और 2.5 से 3 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर चंपत हो गए। वारदात की जानकारी उस वक्त लगी जब परिवार के एक सदस्य घर पर पहुंचा। दमोह जिले में लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर कायाकल्प के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं, ताकि जिले के नाम इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अंडर 10 साबित हो सके। इसी क्रम में सर्वेक्षण और साफ सफाई को प्रमुखता से देखते हुए स्वच्छता प्रतिष्ठान सर्वेक्षण प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। शहर के विभिन्न अस्पताल, विद्यालय, शासकीय अशासकीय कार्यालय शामिल किए गए थे और उनका सर्वे टीम द्वारा किया गया था, जिसमें अस्पताल में होने वाली साफ सफाई व्यवस्था को देखते हुए दमोह शहर की मिशन अस्पताल के लिए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस मौके पर मिशन अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर अजय लाल ने जिलेवासियों और नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए इसका पूरा श्रेय नगर पालिका अधिकारियों और मिशन अस्पताल प्रबंधन सहित सफाई कर्मियों को दिया। आबकारी विभाग के लिए आज काला दिन। राजधानी की सभी शराब दुकानों पर ताला। राजधानी में लगभग 5 करोड़ के राजस्व का होगा नुकसान। सीहोर में स्कूल की लापरवाही सामने आई है। कई बच्चों को नहीं मिला 10वीं का प्रवेश पत्र। स्कूल की लापरवाही से कई छात्र हुए परेशान। सीहोर के अकेडमी स्कूल का पूरा मामला है। सीहोर के अकेडमी स्कूल में एडमिट कार्ड न मिलने से छात्रों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। शुजालपुर नेशनल हाईवे के तहत लगने वाले शुजालपुर के 3 किलोमीटर लंबे सिंटी मंडी मार्ग के साथ ही प्रमुख चौराहों पर जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रमुख मार्ग पर 5 स्थानों पर नगरपालिका द्वारा ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना की जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने बताया कि नगरपालिका में करीब 3 घंटे की मैराथन बैठक में अधिकारियों के साथ कई निर्णय लिए गए। वहीं जटाशंकर परिसर में शिवरात्रि पर 2 दिवसीय मेला का आयोजन भी किया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक सात वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। शादी कार्यक्रम में फोटोग्राफर के साथ गए युवक ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं मासूम की हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में एक महिला 3 युवक शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चारों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लुप्त प्रजाति इजिप्शियन वल्चर के संरक्षण की उम्मीदें बढ़ गई हैं। फॉरेस्ट और रेवेन्यू की संयुक्त टीम ने जगह चिन्हांकन के लिए सर्वे कर लिया है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्देश दिया है कि वल्चर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लाने से यहां भी दुर्लभ प्रजाति का संरक्षण संभव हो सकेगा।
एसबीआई कियोस्क शाखा लोक सेवा केंद्र के संचालक दुर्गेश साहू के ऊपर पीड़ित ग्रामीण ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए के साथ पेंशन राशि निकालकर फरार हो जाने का आरोप लगाया है। मामला लोरमी कुलसा घाट का है, जहां के पीड़ित लोगों ने जिला कलेक्टर अजीत वसंत से राशि दिलाए जाने की मांग करते हुए लिखित दर्ज शिकायत के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए, पेंशन निकालकर फरार होने का आरोप लगाया। पीड़ितों ने बताया कि इसी तरह सैकड़ों सगाही रोज दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई न होने से निराश है। लोरमी तुलसी घाट का पूरा मामला है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्काल जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। ग्वालियर में जीआरपी के सिपाही ने एक बार फिर से बचाई महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के कारण महिला ट्रेन के नीचे से आने से बची। जीआरपी आरक्षक शिवशंकर सिंह ने ठीक समय पर महिला को पकड़कर बाहर खींचा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। शहडोल जिले के मकान में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक, आग लगने का कारण अज्ञात, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न खेल प्रतिभाओं को दिए गए एकलव्य अवार्ड में शुजालपुर के 2 19 वर्षीय युवकों को तीरंदाजी में एकलव्य अवार्ड देने की घोषणा की गई है। दोनों ने एक ही मैदान पर लकड़ी के धनुष से निशाना लगाना सीखा और कई स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री नरसिंह परमार ने अवार्ड विजेताओं को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। शुजालपुर की स्वप्न सिटी कॉलोनी में रहने वाले चिराय उधनगर के पिता मार्केटिंग फेडरेशन में मैनेजर हैं। उन्होंने कक्षा 5वीं में 9 वर्ष की उम्र से लकड़ी के धनुष से निशाने लगाने की शुरुआत की थी। मुरैना में विद्युत विभाग की टीम पर हमला हुआ है, सहायक यंत्री की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। ग्रामीण ट्रांसफार्मर उतारने की लाठी डंडों से पिटाई की, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महासोन में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां और बेटा और 100 और 2 सगे संबंधी शामिल है। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां को शादी से वापस लाने के लिए आया था। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में माघ पूर्णिमा पर आयोजित 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का समापन हो गया। समापन पर ओडिसी एकल नृत्य एवं अनुज नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी को माघ पूर्णिमा की बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सहेजने का काम किया। बिलासपुर पुलिस के द्वारा नशे पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जांजगीर चांपा निवासी 3 आरोपियों से 1000 नग कोडीन युक्त सिरप को जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि इमलीपारा रोड पर 2 संदिग्ध लोगों ने बैग में कोडीन युक्त सिरप रख रखा था और इसे बेचने की फिराक में घूम रहे थे, तभी इन पर कार्रवाई की गई। मामले की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी झंडा लगाने के दौरान 11 kV तार के संपर्क में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आज सुबह पंप का झंडा लगाने के लिए लोहे की सीढ़ीनुमा टेबल पर चढ़ा और झंडा लगाने लगा, उसके ठीक सिर के ऊपर से 11 kV का तार गिरा हुआ था, जिससे वो देख नहीं पाया और हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आने से उसका पूरा शरीर जल गया। दमोह की नोटा पुलिस थाना क्षेत्र के व्यारमा नदी के पुल के मोड़ पर धान के भूसे से भरा हुआ लोड ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चलते रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें भारत को सबसे कमजोर बनाने और देश में भीषण महंगाई के लिए याद किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक कारणों से भारत को पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के बावजूद भारत सबसे तेजी से विकास कर रहा है और बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल भी ऐसा ही रहने की संभावना है। यूपी में थमा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार, 20 फरवरी को 59 सीटों पर होगा मतदान, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी तय। पंजाब में फर्स्ट फेज का
चुनाव तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आज पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया है। 20 फरवरी को पंजाब के सभी 117 सीटों पर वोटिंग होगी। आज पंजाब चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया आज अमृतसर में उन्होंने बाइक रैली की। गोवा में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी 6वीं से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 21 फरवरी से फिर से खुलेंगे। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद देश भर में फैलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब और भगवा गमछा बैन करने का निर्णय लिया है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 25,920 नए केस सामने आए हैं। 492 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 2,92,000 हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट जारी है। 24 घंटे में कोरोना के 743 केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 5 लोगों की जान गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर दिख रहा है। इस बीच एशियाई बाजारों में गिरावट के रुख के चलते भी प्री ओपन सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव देखा गया। कारोबार की शुरुआत में ही सेंसेक्स करीब 400 अंक गिर गया। सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी भी दबाव में रहा। कारोबार की शुरुआत करीब 70 अंक की गिरावट के साथ हुई। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि यूक्रेन की सीमाओं के पास जमा 1.5 लाख से अधिक रूसी सैनिक आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने साथ ही यह भी कहा कि रूस की योजना हमले के लिए एक बहाना गढ़ने की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा के लिए सबसे तात्कालिक खतरा यूक्रेन के खिलाफ रूस की बढ़ती आक्रामकता है। टेस्ला के मालिक के एक ट्वीट ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये ट्वीट उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री पर किया था, जिसमें एलन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो की तुलना हिटलर से कर दी। अनुष्का शर्मा एक बार फिर से बॉलीवुड के पर्दों पर लौटने वाली हैं, जिसमें वो भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाएंगे। अनुष्का शर्मा की ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है, जो झूलन गोस्वामी के किरदार के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। इस फिल्म के लिए अनुष्का जमकर वर्कआउट कर रही हैं। एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर पिछले कुछ दिनों से सिंगर शिवानी दांडेकर से अपनी शादी को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरहान शिवानी 21 फरवरी को मुंबई में कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। एकनव कपल कोर्ट मैरिज से 2 दिन पहले 19 फरवरी को महाराष्ट्रीय रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधेंगे। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई आलिया ने फैंस को दिया गंगूबाई चैलेंज। आलिया ने वीडियो शेयर कर किया है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई हो 2 को नहीं मिला अपेक्षित रिस्पांस। फिल्म ने 6 दिनों में महज 11 करोड़ का कलेक्शन किया।